हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रख के आप अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले क्या करते हैं, सुबह उठते ही गरम गरम चाय पी लेते हैं, जो कि हमारा आजकल चलन हो गया है। लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। चाय खाली पेट पीना मतलब जहर पीने के समान होता है। चाय बिल्कुल भी खाली पेट नहीं पीनी है आपको। चाय की जगह आप ताज़ा पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, गरम पानी पीजिए। गरम पानी तो बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि आप गरम पानी पियेंगे, दूसरा चाय बिल्कुल भी खाली पेट नहीं पियेंगे। अगर फिर भी आपसे चाय के बिना बिल्कुल नहीं रहा जाता है, तो आप क्या करेंगे कि चाय के साथ कुछ भी बिस्किट लीजिए, रस लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन खाली चाय मत पीजिए, और वो भी खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, चाय में थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए, जिससे आपको एसिडिटी नहीं होगी। पहले तो आपको चाय पीनी नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं तो इतनी जल्दी अपनी आदतें तो भाई बदलेंगे नहीं। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि ये छोटे छोटे से नुस्खे अपनाएंगे और चाय धीरे धीरे करके बंद कर देंगे, और उस चाय को अपना गर्म पानी के स्थान पर चेंज कर देंगे। ठीक है, चाय धीरे धीरे करके बंद कीजिए और उसकी जगह गर्म पानी पीना शुरू कीजिए। दूसरा क्या करेंगे कि सुबह जो हम खाली पेट काम करने में लगे रहते हैं ना, और ये सोचते हैं कि जी हम पहले काम खत्म कर लें उसके बाद आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे, वो छोड़ दीजिए। सुबह का नाश्ता 10 बजे से पहले कीजिए, और उस नाश्ते में कुछ हेल्दी लीजिए, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता होता है वो आपके पूरे दिन का आधार होता है। ठीक है, तो आप सुबह का नाश्ता हेल्दी लीजिए, ताकि आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे, और उस नाश्ते में दही या दूध जरूर लें। ठीक, अब आप क्या करेंगे, भूख से आधी रोटी कम खाएंगे, क्योंकि अगर हमारे शरीर में हम जब खाना खा लेते हैं और हम बहुत भूख से ज्यादा खाना खा लेते हैं, कई बार सब्जी अच्छी लगती है ना और हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं, तो हमारे क्या होता है, शरीर में जो पाचन क्रियाएं होती हैं, लीवर होता है, वो अपना काम सही से नहीं कर पाता है। तो क्या करेंगे आप, जब भी आप खाना खाएंगे, चाहे आप नाश्ता कर रहे हो, लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, उस खाने में आधी रोटी कम खाएंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी बात। अब मैं आपको एक और छोटी सी टिप बताती हूँ, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तीसरी बात ये है कि आप खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पियेंगे। अगर आपको बहुत प्यास लगती है तो आप खाना खाने से पहले पीजिए पानी, खाने के बीच में एक दो सिप ले सकते हैं पानी के, लेकिन खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद अगर आपको पानी पीना ही है, तो ठंडा पानी तो भाई बिल्कुल भी मत पीजिए। आप गर्म पानी कीजिए और उस पानी को आप खाना खाने के बाद पी सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हैं आपके शरीर में जठर अग्नि उत्पन्न होती है, और वो जठर अग्नि जैसे ही आप ठंडा ठंडा पानी पीते हैं वो जठर अग्नि बुझ जाती है, और आपका जो खाना पेट में गया है ना, वो वैसे के वैसे पड़ा हुआ सड़ जाता है। आपके पेट में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उसकी वजह से, और आपको आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में लाकर अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, आप हेल्दी रख सकते हैं। आप हेल्थ तो आप सबका ध्यान रखेंगे, और अपने साथ सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे